और यहां कराची से आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। 90 से गिरफ्तार उबैद केटू, आबिद शाह और अब्दुल कादिर को अदालत पहुंचा दिया गया है। मुलजमान पर टारगेट किलिंग का इल्जाम है जिसका उन्होंने एतराफ किया है, जबकि मजीद रिमांड हासिल किया जाएगा। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फारूक समी से। जी फारूक समी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने रेंजर्स और पुलिस की सख्त सिक्योरिटी हिसार में उबैद केटू, नादिर शाह और अब्दुल कादिर हंगोरू को पेश कर दिया गया है। यहाँ पर लेकर आ गए हैं। उबैद केटू और नादिर शाह पर ये इल्जाम है कि उन्होंने रेहान और निसार दो पुलिस इंस्पेक्टर थे जिनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया था, और इस हवाले से आज अदालत से इनके रिमांड में तौसी की दरख्वास्त दी जाएगी। इसके साथ साथ अब्दुल कादिर हंगोरू, जिनके ऊपर दो कत्ल के टारगेट किलिंग के मुकदमात हैं लियारी के अंदर, उस हवाले से उनके मजीद जो है रिमांड में उनके भी तौसी मांगी जाएगी। इस वक्त मुलजमान को जो कमरा अदालत है उसके बाहर बिठा दिया गया है और अब से कुछ देर बाद इन्हें मौजूद जज के रूबरू पेश किया जाएगा मजीद रिमांड की हासिल करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया।